अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर मम्मीज किचन। टुडे वी आर गोना मेक वेजिटेबल बर्गर्स। आप देख सकते हैं वेजिटेबल बर्गर्स कितने कलरफुल हैं और इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स डली हैं, या आगे जाके आपको पता चलेगा। सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए घी, जो कि है 2 टेबल स्पून। अच्छे से घी को मेल्ट करेंगे और इसमें आप बॉइल्ड पोटैटोज ऐड करेंगे। और याद रखिए, ये सब प्रिपरेशन आपके बर्गर्स रेडी करने से पहले आपको करनी होगी, यानी कि आपको आलूओं को पहले से उबालना होगा, गाजरों को पहले से उबालना होगा, जो कि हैं 1 कप। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं मटर, जो कि अगेन 1 कप है। इनको भी आपने बॉईल करके पहले से रख लेना है। और इसमें आपने नमक ज़रूर ऐड करना है और काली मिर्च भी, बिल्कुल थोड़ी सी, आप थोड़ी थोड़ी चुटकी, एक एक चुटकी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम डाल रहे हैं बंद गोभी, जो कि है एटलीस्ट 1 बाउल। ये बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं एक अमाउंट में लगती है, लेकिन जब इसे हम कुक करते हैं तो ये एक तरह से बैठ जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सी आपके पास एक मटीरियल इकट्ठा हो चुका है। अब जो आपने इसमें ऐड करना है, इसमें है ब्लैक पेपर, जो कि है 1 टीस्पून। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। और साथ ही साथ आप ऐड करेंगे सॉल्ट, जो कि है 1 टीस्पून। अच्छे से वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे ताकि नमक और काली मिर्च हर जगह पहुंच जाए। और इसके बाद जो जो हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे, आपने उन्हें अच्छे से नोट करना है। और ये है कि पहले से प्रिपरेशन कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स आपको लगेंगे ये कुक करने में। तो ज़रूरी है कि आप पहले ही, एक दिन पहले रात को ही सारी प्रिपरेशन कर लें, नहीं तो थोड़ा टाइम पहले उठकर कर लें, क्योंकि ये एक ब्रेकफास्ट में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम स्नैक्स के तौर पे भी ये बर्गर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चीज़ यूज़ की है, जो कि चीज़ स्लाइसेस हैं, ये हमारे चेडर चीज़ होते हैं, और ये 5 स्लाइसेस हमने लिए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप श्रेडेड चीज़ भी अगर आप लेना चाहें तो वो भी ठीक है। ये हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ ही साथ जो श्रेडेड चीज़ होती है उसको मिक्स होने में ज़्यादा आसानी होगी आपको। अब आप देख सकते हैं कि मामा मिक्स कर रही हैं, तो थोड़ी सी उसको टूटने में और मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उससे आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ज़्यादा नरम पड़ सकती हैं, लेकिन ये हमारी बेस्ट रेसिपी है और हर तरह से चीज़ वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो जाएगी, इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद हमारी बर्गर्स मज़ीद रिच हो जाएंगे उसका फ्लेवर। हम डालेंगे इसमें 1 अंडा, अच्छे से फेंट लें अंडे को और फिर इसमें आप डालें, और जब तक कि अंडा अच्छे से मिक्स ना हो जाए, कुक ना हो जाए, आप अपना चम्मच जो है वो हिलाते रहें। बहुत ही ज़बरदस्त बैटर तैयार हो गया है। इस बर्गर्स में आपने जो है वो अच्छे से लगा लेना है। उससे पहले हमने बर्गर्स को सेक लिया है, तवे पे सेक लें उन्हें, और ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। हर दफ़ा हम जो है वो बीफ या मटन चिकन के बर्गर्स ट्राई करते हैं, वेजिटेबल बर्गर आप ये फ्लेवर आप जब चखेंगे तो आपको हर किस्म के दूसरे फ्लेवर्स आप भूल जाएंगे, वो बेशक चिकन ही क्यों ना हो आपका जो फेवरेट होता है। बहुत ही इसका रिच फ्लेवर है वेजिटेबल्स की वजह से। आप ये ना समझें कि ये इतना मज़ेदार नहीं होगा, इसमें आप मज़ीद और वेजिटेबल्स अगर आपकी पसंद की हैं, शिमला मिर्च आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन ये फ्लेवर्स हमारे टेस्टेड फ्लेवर्स हैं और हमें बहुत मज़ेदार लगता है ये बर्गर हमेशा से। सो उम्मीद है कि आपने इस रेसिपी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़।